कि बकवास कर रहे हो आप बैठकर, ये कह रहे हो कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी काम नहीं कर रही, बीएसपी डूबता हुआ जहाज है। अरे तुम बकवास क्यों कर रहे हो, बीएसपी कभी डूबता हुआ जहाज नहीं, बीएसपी खत्म हो गई तो क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों इंडिया अपनी तरफ लेना चाह रहा है, क्यों एनडीए अपनी तरफ खींचना चाह रहा है कि बहन जी हमारी तरफ आ जाओ, बहन जी हमारी तरफ आ जाओ। भाई जब खत्म होगी तो क्यों खींच रहे हो तुम। आज भी बहन जी का वोट बैंक, करोड़ों करोड़ों वोट बैंक है बहन जी का इंडिया के अंदर। बहन जी को यदि 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, मौका मिला एक बार, तो बहन जी सारे काम को खत्म कर देगी 5 साल में। 5 साल में ये दिखा देगी प्रधानमंत्री की ताकत ये होती है और देश इस तरह से चलता है, ये हवाबाजी से देश नहीं चलता। बिल्कुल गलत कह रहा है बहन जी, ना कभी डरी है ना डरने वाली नेता है। फिर वो जितने भी आय के साधन है वो जाति के हिसाब से बंटवारा होगा इस देश में यदि जाति है। बीएसपी जो है ना एक विचारधारा पर डिपेंड पार्टी है, विचारधारा को लेकर जो पार्टी चलती है वो कभी खत्म नहीं होती है। बाबा साहब और भगवान बुद्ध की आइडियोलॉजी को लेकर पार्टी चल रही है, और आपने देखा होगा कि सारे लोग जब बीएसपी खत्म होगी तो फिर भी बीएसपी के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उसी के वोट बैंक के पीछे क्यों पड़े हुए हैं, उन्हीं के नेताओं के पीछे, उन्हीं के कार्यकर्ताओं के पीछे क्यों पड़े हैं, उन्हीं को टारगेट क्यों कर रहे हैं भाई, उन्हीं क्यों उन्हीं से दुश्मनी मोल क्यों ले रहे हो। जब बीएसपी खत्म होगी तो तुम उसका जिक्र ही छोड़ दो, आप ऐसी बात कर क्यों रहे हो। जो पार्टी खत्म हो जाती है तो उसके बारे में ये थोड़ी कहा जाता कि बीएसपी खत्म हो गई है भाई। इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर एक प्रोपोगंडा फैलाना चाहते हैं लोगों की नज़रों में। और जो बीएसपी का वोटर है, जो बीएसपी का सपोर्टर है, जो बीएसपी को दिल और जान से चाहता है, जो बीएसपी को आने वाले समय में आपको दिखाई दे रहा है, इसका मतलब यह है कि आने वाले समय में बीएसपी सत्ता में आ रही है पार्टी 2024 में, काफ़ी वोटर लेके आ रही है, काफ़ी सीटें निकाल के लेके आ रही है एमपी की, तो इसलिए आप लोगों को डर लग रहा है और आप इसको प्रोपोगंडा को फैलाना चाहते हैं, लोगों को भ्रम में डालना चाहते हैं। जो लोग ये कह रहे हैं कि बीएसपी खत्म हो गई, मैं उनसे कहना चाहता हूँ सीधे सीधे कि आप कुत्ता पाल लो, बिल्ली पाल लो, गलत फहमी मत पालो, बीएसपी कभी खत्म नहीं हो सकती। वो बहन कुमारी मायावती हमारी जो राष्ट्रीय नेता हैं, उनके संरक्षण में, उनके द्वारा चलाई जा रही है, उनके कार्यकर्ताओं द्वारा, उनके वोटरों द्वारा, और हम जैसे चाहने वाले जो बीएसपी और उनके नेताओं, और मैं सल्यूट करता हूँ अपनी बहन जी के लिए, अपने कार्यकर्ताओं के लिए, अपने वोटरों के लिए, कि वो जमे रहें, वो कभी किसी के भ्रम में ना फैलाएं, भ्रम में ना आए, और ना किसी मनुवादियों के कहने में आए इस तरह के कि बीएसपी खत्म हो गई है, बीएसपी में जान नहीं है, बहन जी काम नहीं कर रही। सब कुछ काम हो रहा है, सब कुछ चल रहा है, आप देख भी रहे होगे। आज भी ऐसी पार्टी कोई है नहीं, बाकी सारे लोग जितने भी हैं उनके उनकी कोई आइडियोलॉजी नहीं है, उनकी कोई विचारधारा नहीं है। हमारी पार्टी की आइडियोलॉजी है, एक विचारधारा है जिस विचारधारा को लेकर चलती है, और हम किसी के साथ षड्यंत्र बीएसपी के खिलाफ है। बिल्कुल, ये एक षड्यंत्र रचा जा रहा है और षड्यंत्र करके बदनाम किया जा रहा है कि ये कह कह कि जब किसी को बदनाम करना होता है तो ऐसे ही कहते हैं, पार्टी को बदनाम करो, बहन जी कुछ काम नहीं कर रही, बहन जी रोड पर नहीं आ रही, बहन जी तो चुप बैठ गई हैं, या बीएसपी डाउन हो गई है, बीएसपी का इतना वोट बैंक डाउन होगा, सब बकवास और रूमर फैल रहा है। ऐसा कुछ नहीं है, आने वाले समय में सत्ता में आएगी हमारी पार्टी, विचारधारा की पार्टी है, एक 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 बाबा साहब और भगवान बुद्ध की विचारधारा को लेकर चल रही है। तो मैं उनसे कहना चाहूँगा कि पार्टी को बदनाम ना करें, आराम से बैठें, अपना काम करें। जैसे आपने कहा कि अगर बीएसपी खत्म होगी तो उसके बारे में चर्चा क्यों हो रही है? देखो चर्चा क्या है, दो लोग हैं, एक तो हैं हरिजन और एक हैं दड़ीजन। हरिजन वो हैं जो कांग्रेस के द्वारा पोषित पोलित किए गए हैं, जो चमचे हैं, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग और खासकर मुस्लिम भी जितने भी लोग हैं, जो बीएसपी का वोट हुआ करता था, बहुजन समाज पार्टी का वोट था, उनके चंद जो चमचे थे कांग्रेस के उनको बोलते थे हरिजन, उन्होंने हरिजन नाम लिया। और जो कुछ चमचे जो SC ST में और OBC में से टूट कर चले गए थे BJP में, वो तो दड़ीजन, दड़ीजन का मतलब जो दड़ी उठाते हैं, जो दड़ी बिछाते हैं, उनका इससे ज़्यादा और कोई काम नहीं होता, और वो केवल कातिया के कुत्ते की तरह काम करते हैं, फेंके हुए टुकड़ों पे 1,000, 2,000, 4,000, 10,000 दे दिया, या कोई बोतलें दे दी, या कुछ मीट दे दिया, कोई पार्टी ऑर्गेनाइज करा दी थोड़ी बहुत, या कुछ करा दिया, इतने से खुश हैं। चमचा है ना, मान्यवर काशीराम साहब ने चमचा युग किताब लिखी थी, उसमें सीधा ये लिखा था, ये पहचानना बहुत मुश्किल है कि चमचा कौन और हितैषी कौन है पार्टी का, तो एक माइनर सी लिखी लाइन है चमचा और हितैषी के बीच में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जो चमचे हैं, जो चंद चमचे पैसे खाकर और थोड़े से लालच के लिए आप दूसरी पार्टियों में चले गए, कांग्रेस में चले गए, बीजेपी में चले गए, आम आदमी पार्टी में चले गए, और वहाँ जाकर इस तरह की बकवास कर रहे हो आप बैठकर, ये कह रहे हो कि बीएसपी खत्म हो गई, बीएसपी काम नहीं कर रही, बीएसपी डूबता हुआ जहाज है। अरे तुम बकवास क्यों कर रहे हो, बीएसपी कभी डूबता हुआ जहाज नहीं, बीएसपी खत्म हो गई तो क्यों जरूरत पड़ रही है, क्यों इंडिया अपनी तरफ लेना चाह रहा है, क्यों एनडीए अपनी तरफ खींचना चाह रहा है कि बहन जी हमारी तरफ आ जाओ, बहन जी हमारी तरफ आ जाओ। भाई जब खत्म होगी तो क्यों खींच रहे हो तुम। आज भी बहन जी का वोट बैंक, करोड़ों करोड़ों वोट बैंक है बहन जी का इंडिया के अंदर। हर स्टेट में अपना कार्यालय है, हर स्टेट में अपना एक सिस्टमेटिक ढंग से पूरा स्टेबलाइज हमारा सिस्टम है। आखिर क्या वजह दलित बहन जी का साथ क्यों नहीं छोड़ रहा? छोड़ना कभी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि जो विचार ऐसा क्या है बहन जी में जो देखो दलित उनके साथ हैं भी? मैं बता रहा हूँ क्या है, जो बाबा साहब के विचारधारा पर, जो अंबेडकरवादी हैं, एक गांधीवादी हैं,
एक अम्बेडकरवादी हैं, एक ये मनुवादी, मनुवादी बीजेपी वालों को कह रहा हूँ मैं, आरएसएस मनुपोषित जो लोग हैं, जो लोगों को गुलाम बनाना चाहते हैं इस देश के अंदर, पूरे देश को अपने हाईजैक कर लिया है जिस तरह से, और सारे आय और इनकम के जो साधन है अपने अंडर में ले लिए हैं। अच्छा मैं ये कहना चाहूँगा, जब ये जो कांग्रेस हैं और बीजेपी और आम आदमी पार्टी, ये एक ही थैली के चट्टे बट्टे हैं। इनका काम देश को डेवलप करना नहीं है, लोगों को वेलफेयर करना नहीं है, लोगों को अच्छी स्कीम लेना नहीं है, चूसना है लोगों को, चूसना टैक्स लगाकर और दूसरी पार्टियों को बदनाम करना, ताकि वोटों नहीं उद्धार कहाँ से होगा। पूरी पार्टियाँ, सारी देश की जो पार्टियां हैं, वो दलितों के वोट बैंक के ऊपर राजनीति कर रही हैं। आप देख रहे होंगे पीछे लंबे समय से 50 से 60 साल करीब कांग्रेस ने राज कर लिया, और पीछे और अब मिलाकर 15-20 साल बीजेपी ने काम कर लिया, और अब दिल्ली में आम आदमी पार्टी काम कर रही है, कभी स्टेटों में दूसरी पार्टी। केवल टोटल राजनीति एससी एसटी ओबीसी के ऊपर डिपेंड है। तो मायावती के अलावा और कोई हितेशी क्यों नहीं बन पा रहा दलितों? हितेशी क्यों नहीं है? हितेशी वो इसलिए नहीं बन पा रहे, ना वो बन पाएंगे, क्योंकि वो नौकर हैं। जो हितेशी बनने की कोशिश कर, बहन जी एक इंडिपेंडेंट नेता है हमारी, आदर्श नेता बीएसपी की, तो वो बीएसपी जो है पार्टी है, तो एक विचारधारा पर जो डिपेंड पार्टी है, तो उसकी नेता है, तो एक विचारधारा को लेकर चलना, और एक केवल एक मकसद को लेकर चलना, केवल अपने लाभ के काम करना, केवल खामो का, जैसे बीजेपी कर रही है, महंगाई को बढ़ा दिया, जनता को चूस दिया पूरी तरह से, स्वास्थ्य को बिगाड़ दिया, आय के साधन अपने अंडर में कर लिया, और गिने चुने चंद लोगों को रईस बना दिया, देश को उन्हीं लोगों को बेच दिया है। ऐसे कांग्रेस करती थी, ऐसे बीजेपी, ऐसे ही कर रही है आम आदमी पार्टी। जो वास्तव में दलितों का, जो ओबीसी वर्ग है, जो मुस्लिम वर्ग है, उनका उद्धार जो होना चाहिए, उनका जो वेलफेयर होना चाहिए, उनके बच्चों को शिक्षा मिलनी चाहिए, उनके बच्चों को रोजगार मिलना चाहिए, उनके बच्चों का स्वास्थ्य बढ़िया होना चाहिए, उनके जो स्टैंडर्ड है लिविंग स्टैंडर्ड, वो ऊपर होना चाहिए, अपलिफ्ट होना, उसे नहीं करना चाहते। ये केवल टुकड़े देना चाहते, भूखा ना हमारा बस इंसान। कई बार देखने को मिला वकील साहब, जो दूसरी पार्टियों में अनुसूचित जाति के लोग हैं, खासकर जो दलित हैं, उनका सम्मान नहीं होता नजर आता है। अब सम्मान कहाँ से होगा? कहीं चमचों का सम्मान होता है, नौकरों का सम्मान होता है, भगोड़ों का सम्मान होता है क्या? आप बताइए, जो लोग अपनों को छोड़कर दूसरों की चमचागिरी में लगे रहते हैं, उन्हें सम्मान मिलता है क्या? अपने तो इसलिए सम्मान नहीं देते क्योंकि हमें तो छोड़कर चला गया, दूसरे इसलिए सम्मान नहीं देते, साला अपने का ना हो सका हमारा क्या होगा? आप समझ रहे हो ना, जो आदमी अपनों का ना हो सका, जो बीएसपी का ना हो सका, जो वोट बैंक या जो नेता बहुजन समाज पार्टी, जो बाबा साहब, भगवान बुद्ध, मायावती, मानव और काशीराम साहब, ऐसे ऐसे महान लोगों ने बना, जिसके ऊपर चल रही है, जो लेकर चल रहे हैं विचारधारा को ले चल रहे हैं, जो उनका ना हो सका, जो उनका सगा ना हो सका, तो हमारा क्या सगा होगा? तो बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी, ये तीनों पार्टी इसलिए उन्हें नौकर की तरह समझती है, चमचा समझती है, टुकड़े फेंक दो बस, और इससे ज़्यादा कुछ नहीं। तो बीजेपी कांग्रेस दलितों का घर नहीं है? नहीं, बिल्कुल घर नहीं है, घर होता। आज आप देख रहे होंगे, अब कांग्रेस एक उठा के चल रही है एक मुद्दे को कि भाई जातिगत जनगणना, 50 से 60 साल तुमने राज कर लिया, कांग्रेस ने देश पर 50 से 60 साल राज किया, अब से पहले तो आपने क्यों नहीं जातिगत जनगणना कराई? बताइए, आपको पहले ही शो करने चाहिए थे। आप जब बीजेपी ने 10 साल राज कर लिया, वो भी नहीं, उसने भी नहीं करा पाए। यदि सत्ता में बीएसपी आती है, बहन कुमारी मायावती को आप लेकर आते हो, तो सारे काम होंगे। आपने 5 साल में देख लिया, 2007 से 2012 तक बहन जी ने जो काम कराए, जो 50 साल का काम था, वो 5 साल में खत्म कर दिया। बहन जी को यदि 5 साल के लिए देश का प्रधानमंत्री बनाया जाए, मौका मिला एक बार, तो बहन जी सारे काम को खत्म कर देगी 5 साल में। 5 साल में ये दिखा देगी प्रधानमंत्री की ताकत ये होती है, और देश इस तरह से चलता है। ये हवाबाजी से देश नहीं चलता कि ये कर दिया, हवाबाजी, हिंदू मुस्लिम, हिंदू मुस्लिम, पाकिस्तान हिंदुस्तान से। कांग्रेस पर विश्वास नहीं आपको? राहुल गांधी, प्रियंका गांधी कह रही है कि हम जाते जनगणना कराएंगे, हमें वोट दो, विश्वास कहाँ से होगा? 50 से 60 साल देख चुका है, हमारे पूर्वज जितने भी थे, हमारे दादा, हमारे पिताजी, हमारे परदादा, सब देख चुके, कांग्रेस को वोट देते थे, कहाँ किया उन्होंने? कुछ किया? आप बताइए, कोई उद्धार नहीं हुआ उसका? यदि उद्धार होता तो हम कहाँ से कहाँ होते आज? हमारी स्थिति ऐसी नहीं होती। हमारे पास कांग्रेस ने जो उस समय जो भूमि आवंटित होनी थी, जो पट्टे देने थे, वो भी पूरे पट्टे भी नहीं दे पाई थी। 20-20 बीघा, 15-15 बीघा भूमिहीन लोगों को, जो गाँव में बेचारे रह रहे हैं, उन्हें जमीन तक नहीं दी गई थी। कुछ चंद लोगों को दी गई थी, वो भी दबंग लोगों ने छीन ली थी, बाद में अपना कब्जा ही नहीं ले पाए वो। अब आ जाओ बीजेपी की, तो बीजेपी सरकार तो बिल्कुल ही पूरी तरह से, पर ये तो कह रहे हैं कि बहन जी डर रही है, इस वजह से गठबंधन में नहीं आ रही है, बीजेपी को जिताना चाहती है, बीजेपी के साथ हैं। जो कह रहा है वो पूरी तरह से बिल्कुल गलत कह रहा है। बहन जी ना कभी डरी है, ना डरने वाली नेता है, बहन जी डर नहीं रही, बहन जी कभी भी नहीं डरी। बहन जी ने हर इलेक्शन में फाइट किया है प्रॉपर तरीके से। बहन जी को अपने लोगों ने धोखा दिया, अम्बेडकरवादियों ने धोखा दिया, रिजर्वेशन के नाम पर जो पद भरे गए थे, उन बहन जी ने जो पद भरे, पुलिस वालों के पद भरे, टीचरों के पद भरे, जितने भी पद भरे, ठीक है ना, जिन लोगों को पढ़ाया, और 75 हॉस्टल खोले गए SC ST के बच्चों के लिए, उनके बच्चों को 5 साल तक कोई फीस नहीं देनी पड़ी। LLB, LLM, PhD कुछ भी, कोई भी UP में यदि आप कोर्स कर रहे हैं, उसका पूरा बहन जी की सरकार से पैसा जाता था। आप बताइए धोखा किसने दिया? धोखा हमारे लोगों ने दिया बहन जी को, वो
छोटे छोटे लालच के लिए बीजेपी कांग्रेस आम आदमी पार्टी इन पार्टियों में या अखिलेश की जो पार्टी है उसमें चले गए। ये छोटे छोटे लालच के लिए तुम अपने घर को बिगाड़ कर अपने घर को छोड़ कर दूसरों के घर में जा रहे हो। अपने घर में तो इसलिए चले गए कि हमें नारा उस दूसरे घर में कहाँ इज्जत है, वो मैं यही कहने जा रहा था। तो वहाँ इज्जत नहीं मिलेगी आपको। गौतम को कांग्रेसियों ने पीटा, कोई भी उनके समर्थन में नहीं बिल्कुल नहीं आएगा। मैंने कहा था कि आप बहन जी का साथ दें, जितनी भी हमारी महिलाएं हैं, जितनी हमारी बहन बेटी हैं जो काम कर रही हैं हमारे, आप बताइए पूरे समाज में से आज तक केवल एक बहन जी थी, बहन जी अकेली हैं जिन्होंने संघर्ष करके पार्टी को बनाया और आज भी चल रही हैं। 70 साल की उम्र में भी बहन जी ये काम कर रही हैं। अरे कम से कम हम अपने देश की महिलाओं, अपने समाज की महिलाओं को मैं कहना चाहता हूँ, पूरे देश में जो पार्टियों में तुम काम कर रही हो, यदि बहन जी का कंधों को मजबूत करो, बहन जी का साथ दो तो बहन जी ऊपर पहुंचेंगे। और बहन जी आप जैसी आप लोगों में से छांट के, क्योंकि बहन जी तो देखो 70 साल की हो चुकी हैं, कब तक काम करेंगे आप बताएं। आने वाले समय में आपको जिम्मेदारी देंगी बहन जी, तो इसलिए आने वाले समय में मैं आपसे एक हाथ जोड़कर गुजारिश करता हूं कि बहन जी का साथ दो, बीएसपी का साथ दो। सबसे ज़्यादा महिलाओं से कहना चाहूँगा कि महिलाओं मेरी बहन बेटियाँ जितनी भी हैं वो बहन जी के कंधों को मजबूत करें। आने वाले समय में बीएसपी ज़रूर सत्ता में आने वाली है पार्टी, इसलिए लोग ये खामोखा के एक बवंडर या खामोखा का झूठ एक रूमर फैला रहे हैं कि बीएसपी पार्टी सत्ता में नहीं आएगी, 100% सत्ता में आएगी। लेकिन कांग्रेस जैसे कह रही है जातीय जनगणना हम कराएंगे, तो इससे दलितों को और पिछड़ों को क्या फायदा होगा? हाँ, फायदा मैं बताना चाहता हूँ कि काशीराम साहब ने, मान्यवर काशीराम साहब ने कहा था कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उतनी देश में उसकी हिस्सेदारी। तब ये पता लगाएगा कि देश के अंदर वोट बैंक जैसे समाज उसका ओबीसी का 52% है, जातिगत जनगणना करने के लगाई कि 52% ओबीसी है। तो जो देश की जो पद हैं या देश के जितने भी कॉन्स्टिट्यूशनल पद हैं, राज्यपाल हैं, मंत्री हैं, ठीक है ना, या और भी जो सरकारी पद हैं, तो वो 52% लोगों के हिसाब से बांटा जाएगा, हिस्से बंटवारा होगा, डेफिनेटली होगा पदों का। आप जनसंख्या के अनुपात में बटेंगे तो बिल्कुल। जैसे कि मानो कि मैं फॉर एग्जांपल कहना चाहता हूँ कि जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 31 जज हैं, तो 31 में से 52% के हिसाब से लगा लो आप भाई, 16-17 जज जो ओबीसी के होने चाहिए थे। हाई कोर्ट में जितने भी जस्टिस हैं उस हिसाब से होने चाहिए थे, जितने नीचे जितने भी लोअर जुडिशरी में वो ओबीसी के हिसाब से, एससी के हिसाब से, एसटी के हिसाब से और मुस्लिमों के हिसाब से होने, जातिगत जनगणना का यही होगा। मानो सरकार चलाने में इस समय सेंट्रल गवर्नमेंट में 90 सेक्रेटरी हैं, इस समय ओबीसी के 3 सेक्रेटरी हैं मात्र, तो उस हिसाब से तो 45-50 ओबीसी के होने चाहिए थे आज। तो इन्हें इस बात का दुख हो रहा है कि जातिगत जनगणना, क्योंकि जो कांग्रेस ने भी नहीं कराई जातिगत जनगणना, लेकिन बीजेपी ने भी नहीं कराई, तो कांग्रेस उसका बेनिफिट लेना चाह रही है ये लोगों को बताकर कि यहाँ भी जनगणना। चलो कोई बात नहीं, कांग्रेस को अभी अकल आई, हम तो चाहते हैं कि भाई यदि कांग्रेस भी यदि कह रही है इस बात को, हम सपोर्ट कर रहे हैं कि जातिगत जनगणना होनी चाहिए, पता लगे कि किसकी जाति कितनी है, फिर उसके हिसाब जमीन आनी चाहिए। अब जमीन एक लोगों पे 1,000 बीघा जमीन है, बेचारे जो ओबीसी वाले हैं कुछ पर जमीन भूमिहीन है, कुछ एससी हैं जिन पर भूमिहीन है, तो जमीन का बंटवारा होगा, फिर वो जितने भी आय के साधन है वो जाति के हिसाब से बंटवारा होगा इस देश में यदि जाति है तो।